ये देखिए जी, और यहाँ पे रखा नहीं है, धोकर खा लेंगे इसको अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे बिल्कुल हल्की आँच पे, भूनते हैं इसको, भून के फिर आपको दिखाते हैं, दरमियानी और आँच कम कर दिए ऐसे। चलिए इसको भून के फिर आपको दिखाते हैं ये कैसा बना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं स्वीट आई फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, बाद रखे, साथ साथ रखे अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो लोग भी औलाद है अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद दे, गुल उन जैसी बेटी दे, बेटा दे, जिंदगी तंदुरुस्ती वाला दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे। तो जी फ्रेंड, मेरे पास आया हुआ है मुन्ना भाई, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ दूध, बना रही हूँ गुड़ वाला दूध होता ना वो जो डाल के वो बना रही हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी पकाया है, और मैं बनाने वाली थी चाय, तो पहले उनके लिए दूध गर्म करूँगी अच्छे से पका के, ना मैंने इसके अंदर देसी गुड़ डाला, उसको अच्छे से पकाऊंगी, उसको दूंगी, तो फिर मैं साथ में बनाऊंगी चाय अपने लिए और कामरन के लिए। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा करके रह गया, पका रही हूँ साथ साथ और आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का बनता है, गुड़ है देसी गुड़ है, खालिश दूध है ये, तो उसके अंदर मैंने डाल के ना तो इसको पकाया, तो बड़ा मज़ा आता है ये, बड़ा टेस्टी भी होता है। तो जी सर, ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का गाढ़ा सा दूध रेडी हो गया यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, ये मैं मुन्ने भाई को दूंगी इस तरह से, बहुत ही अच्छा और बड़ा टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। रूम में बैठा मैं रूम में जाती हूँ जी, नहीं ये गुड़ वाला दूध है, देसी गुड़ का दूध पी ना, मज़े का लग रहा है ना ऐसे, इसने पूछा ये कौन सा दूध है, तो ये वाला बिस्किट लेके आ गया। तो जी ये लेके आया बिस्किट, तो जहाँ पे बन रही है मेरी और कामरन की चाय, बड़ी ज़बरदस्त कड़क वाली मज़े की बस चाय बन गई है, और कामरन मुन्ने भाई को मैं देख के ही हूँ, मिलक कह रहा कि अभी बहुत मज़े का बना हुआ है, और यहाँ पे मेरी चाय भी डन हो गई है, हम चाय पियेंगे। कामरन कहते हैं मैंने चाय ही पीनी है जी, कामरन को बस नाश्ते में चाय चाहिए, कहते बस मुझे चाय अच्छी लगती है, तो चाय हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। हाँ जी जनाब, गुड मॉर्निंग मेरी जान, प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ये इतने बिस्किट खा लिया आपने, ओ ये क्या कर रहे हैं? अब बोते हो गए ना टूट के। यहाँ पे जी हमारी, हम पी रहे हैं चाय, मेरी चाय, ये मुझे साबत साबत खा लो, मैं टूटे दे खा लेना। ठीक है, मुझे साबत ही पसंद है, मैं सगा के खा रहा हूँ। ठीक है मैं ये ले लेती, ऐसे भी पेट से जाके टूट ही जाने होंगे ना। लेकिन आपने तो इस तरह खाना ना चमची के साथ, मैं नहीं खाती ना, मैं ऐसे खाती हूँ डिप करके, मुझे इसी तरह ही पसंद है ऐसे। क्या बेगम बेड दो ते चीज ले आके खिलांदी है? हां बेगम हो तो दुआ करा करो कि तुम्हें आज ही बेगम मिले। बेड दे आके बंदे ने नाश्ता करवाए, मैंने बोला रेहान से क्या करना मम्मा, मैंने ब्रेड खानी है, तो वो अंडे तो है थे लेकिन वो लेने गया ब्रेड, तो बच्चों को बना के दूंगी अंडा ब्रेड, हम खाएंगे चाय बिस्किट, सिंपल नाश्ता हल्का फुल्का सा, तो फिर सोचेंगे क्या बनाना है आज। जी फ्रेंड, यहाँ पे बच्चों के लिए बनने वाला है नाश्ता, और यहाँ पे जो है ना कामरन धो रही है पतीली, और पतीली धोते धोते हाथ में क्या लग गया, पौनी तड़क नहीं कहे भांडे मांजो, उसी कंबल तो उठ के बिस्तर च भी जा, ना 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 रहन दो, नहीं तुसी बर्तन नहीं धोने, मैं तुम कहता तां मेरी कसम लगे। ना मेरी जान प्लीज, ना मेरी जान, कंबल च बैठ जाओ, जाके कंबल च बहुत सर्दी है बाहर, चुल्हे दो बार के ना तय कामना साहब तोड़े ने पड़ते ना, कह रहे मैं तेरा हेल्प करवा था, मेरी जान ना सर्दी बहुत है, ते मैं कह रहे मैं लग रही है गर्मी, तो मैं तेरी हवा लै ला मेरी जान ना कर प्लीज। प्लीज मेरी जान ना तो बर्तन धोते हो, मैं क्या करूँ, कामना मानती नहीं है, मुझे कमेंट आया था ना टिकटॉक पे ना कि आप ही कामना भाई से बर्तन ना दिलवाया करें, मैं नहीं दिलवाती कसम से, मैं बिल्कुल नहीं दिलवाती, ये अपनी मर्जी से आए हैं, और वैसे मैंने यहाँ पे पानी गर्म रखा हुआ था, तो यहाँ पे ना खुद ही आ गए, आके तो हेल्प करवाना शुरू हो गया, मैं आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, थैंक यू, अपना अब रहने दे बस, बहुत हो गया। यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, किसके लिए बन रहा जी, किसके लिए बन रहा है? मेरे लिए। खाने ब्रेड और फ्राई वाले,
तो मैं कहीं चली कर लूँ फ्राई, तो आपने ब्रेड वगैरह इसी तरह के खाने थे। चार तो मैंने खाने किसी और ने भी खाने साथ में। हाँ यहाँ का कजन भी आया तो साथ में सुखने जाओ भी नाश्ता वगैरह पास बैठा हुआ तो वो खाएगा। ये पैसे लेने के जा रहे हैं हर यहाँ तो आपने जो ना बस भी इतनी चाय भी इतनी चाय भी नहीं देखी आपकी जान हो गया। हाँ मगे में डाल देती हूँ। सही हो गया। तो जी बच्चों का नाश्ता हो गया था रेडी और बच्चे रूम में खा रहे हैं गरम गरम अंडा और ब्रेड, साथ में उनके लिए चाय और ब्रेड इनको मैं लेके जाती हूँ उनके रूम में क्योंकि भाई सर्दी है इसलिए वो रूम में ही बैठे हुए हैं। तो जी यहाँ पे नाश्ता हो रहा है रेहान। यहाँ पे ये कर रही है नाश्ता वगैरह। यहाँ पे दूध का बॉयल भी दूध भी आ गया था, साथ में दूध को भी बॉयल दे दिया। साथ में मैंने कहा चलो बच्चों के लिए आटा वगैरह गूंध लेती हूँ, जो कहेंगे वो बना दूंगी मम्मा इनको। आटा वगैरह गूंधा होना ये होता है कि चलो जो दिल करता है ना तो बच्चा वो बना देता है बच्चों को, जिस तरह के भी परांठे खाने हो उन्होंने। तो मैंने कहा आटा वगैरह गूंध लेती हूँ, साथ ही काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना किचन का, तो फिर फारग हो जाऊँगी। हाँ जी मैडम। हाँ जी मेरी जान, ग्रेट फूटर है मैंने इसको छील रही हूँ, ये ना काफ़ी दिन के पड़े हैं तो मीठी हो गई हैं, तो इसको मैं छील रही हूँ। छील के खाने का भी मज़ा आता है, इसका जूस भी कमरे में बनाते हैं लेकिन इसका भी मज़ा आता है छील के। वाह जी वाह। तो जी फ्रेंड मैं आई हूँ आसमा के घर, छोटी सिस्टर के घर, बच्चे ठीक नहीं है। ईशा कहा हुआ, ईशा कहा हुआ काके को, काके को बुखार, मम्मा जी बुखार हो गया है। हाँ क्या हाल है सुल्तान? ठीक। आप ठीक हो? कौन कौन बीमार हुआ हुआ है? अच्छा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे मेरा काका ठीक नहीं, मैंने कहा ईशा देख के आऊँ। आसमा क्या हुआ ईशा को? बच्चे यही है ना मौसम की वजह से अपना ख्याल ही रखते बच्चे, ऐसे घूमते फिरते हैं। और मैंने कहा चलो जाके बच्चों को देख के आती हूँ क्या हाल है बच्चों का, आती हूँ मेरे पास। तो जी फ्रेज ये मेरे चाचू हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं जब मैं छोटी थी ना तब से, और जब मैं कोई फ्रूट खाती हूँ ना मंडी से तो मेरे चाची मुझे भेजते हैं। फिर आ गया। ये देख रहे हैं ये पास पड़े हुए हैं फ्रूट वगैरह, मौसमी ग्रेट फ्रूटर, चाचू ही भेजते हैं। मेरे चाची बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्यों मैं जाना करते हैं ना वैसे हमसे प्यार। चाचू है चाचू ग्रेट चाचू चाचू। और माशाल्लाह ना चाचू की बेटी की शादी थी ना जो हमने इंजॉय किया पिछले दिनों में काफी, तो चाचू आए थे मुझे मिलने के लिए कि आप आती क्यों नहीं, बस शादी तक ही आना था। तो बस ये कि बैठे हुए थे चाचू से हम बातें गपशप लगा रहे थे, साथ में मिलके हम चाय पी रहे थे। यहाँ टेस्टी है। गोलू आ गया है, गोलू कह रहा है कि मम्मा मैंने खाना है। क्या खाना है? इको ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद याद आता कि मुझे क्या खाना है क्या बना के देना है। सुबह आने बोला मम्मा नूडल्स खाने हैं, तो नूडल्स बना रहे हैं यहाँ पे सुबह आके सूप वाले, और इसने खाने हैं नूडल्स बाद में भी खाने हैं इसने, और अभी इसने क्या खाना है? अंडर बेड। किस तरह का खाना है? अब जो सा मैंने बनाना ना वो खाना पड़ेगा। ठीक है तो इनको पता नहीं, समझ नहीं आती कि इसने कौन सा अंडा खाना है। ये कहता कि अंडे की जर्दी नहीं खानी सिर्फ सफेदी, तो मैं इसके लिए करने वाली हूँ अंडा फ्राई। करते हैं इसलिए अंडा फ्राई खुद ही करेगा सुबह, खुद तो आता नहीं तुझे, तो आते आती है बस, काम तो नहीं करेगा, मैं करती हूँ बनाती हूँ, इनको पहले बना के देती हूँ तो फिर करते हैं हम बात। तो जी फ्राई यहाँ पे मेरा गोलू कर रहा है अपना अंडा ब्रेड इंजॉय, ये मेरे पास ही बैठ के किचन में, मम्मा आपके पास ही बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना क्या करी मैं, गोलू के बन रहे हैं नूडल्स सुबह की, सॉरी सुबह ने नूडल्स खाने हैं, कहता मम्मा मैंने नूडल्स ही खाने हैं, तो मम्मा ने उनके लिए नूडल्स बना दिए। इस तरह के खाता है मेरा सुबहान, जो जो इन्होंने डिमांड की है मम्मा हमने ये खाना है वो खाना है, मम्मा ने इनके लिए वही बना दिया है, जो बच्चे कहते हैं तो हमें वही बनाना पड़ता है। अजी है। और यहाँ पे जब मैंने किचन में आना ना तो मेरी जान साथ ही किचन में आ जाती है, कहती है कि खाने बड़े पाती है। तो मैं दसंगा मैं बर्तन क्यों तो ना है, मजबूरी है एक महीने नहीं मैं शर्त रहता है एक शर्त जो बंदा हारता ना फिर इसके साथ ये होता है। इसके साथ क्या होता है? ओ समान गए नूडल्स आ गए हैं, और मेरी बात सुनी ना सामने आई ना जरा, ये देखी सर ये समान गए, ये अपर है ना इसका फेवरेट अपर है, ये उतारते नहीं है, क्यों समान क्यों नहीं उतारता ये? मेरा फेवरेट है इसलिए नहीं उतारता। तो तुमने अब क्या खाना है?
तो मम्मा जी अब मैं मुझे तो अपने नाश्ता के खाना खुलवा दिया, लेकिन अब किसके लिए बना रही है? अब मैं बना रही हूँ अदरक वाला अंडा। अदरक वाला अंडा कौन खाता मम्मा? अदरक वाला अंडा ये मैं बना रही हूँ पापा के लिए। वो पापा अंडा खाते हैं? अदरक वाला नहीं खाते तो नहीं, लेकिन मैं पापा को ये होती है सर्दी जब लगती है ना खांसी होती हो, ये उसके लिए अच्छा होता है। तो मिर्च किस लिए? पापा जी के तो मिर्ची मेरा दे नहीं लगता, इसलिए बना लगी। देखिए मैं आज आपको रेसिपी देती हूँ अदरक वाले अंडे की, बड़ी अच्छी बड़ी मजे का बनता है। पता नहीं कोई बनाता या नहीं बनाता, मैं बनाती हूँ, बड़ा अच्छा बनता है, मजे का बनता है। और आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अदरक को मैंने मूली कटा कर लिया इस तरह, पीस के इसका मसाला रेडी करके दिखाती हूँ। बहुत आसान है ना, आप ही सीख लीजिए काम। पापा जी का मुंह ही कौड़ा हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा बनता है, मैं भी बनाती हूँ। तो बस ये मसाला रेडी कर लो, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डालना है और कैसे बनाना है, ठीक है? तो जान भी भी आ गया है, रेसिपी सीखने आ गया है ना। मैंने कर लिया है अदरक, हरी मिर्च, साथ में एक प्याज लिया मैंने, तीन चार हरी मिर्चें ली हैं, इसको कटिंग कर लिया है। अदरक को मैंने इस तरह बारीक बारीक जो है ना मूली कटा कर लिया है, पीसा हुआ अच्छा सा, साथ में थोड़ा सा धनिया। तो इसमें एक जाएगा सबसे पहले ऑयल। ये बनेगा अदरक वाला अंडा, बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का बनता है। और जिसको खांसी वगैरह आती है उसके लिए भी है ये, इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का बनता है। और ऑयल मैंने ले लिया, मेरी जान तुम देखो और यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले मैंने डाला इसके अंदर प्याज, थोड़ा सा इसको हल्का सा मैंने करना है ब्राउन, हल्का सा। मामा जी बना रही है पे। पहले मैंने कि रोटी बना लेती हूँ ना, तो बाद में जल्दी से ना वो अंडा बन जाना है, तो फिर रोटी जो हमारी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं ना पहले पहले ना रोटी बना लेते हैं। जी जी। और वैसे भी गर्मियों में ना कोई भी नहीं पास आता किचन में, सर्दियों में सारे पास पास ही आते हैं। हाँ गले मले। हाँ जी बस मैं रोटी बना लूँ। अरे हाँ जी, फिर मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है, पहले मैंने एक रोटी बना लेती हूँ तो फिर हम अंडा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कर लिया है गाढ़ा प्याज ब्राउन, इसके साथ जाएगा ये अदरक और हरी मिर्च, बहुत ही अच्छे से मैं इसको भूनूंगी आराम से। आज मैंने बिल्कुल भी मैंने कर लिया, यहाँ पे अच्छे से भूनूंगी उसको, इसको थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भुना है और मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी जरूरत नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालो, और थोड़ा सा गैर लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च मैंने डाली हुई है और थोड़ी सी हल्दी। इसी तरह मसाले दोनों चलेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा गैर गर्म मसाला, इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। बड़ी अच्छी अदरक की और हरी मिर्च की खुशबू आ रही है, ये बड़ा मज़े की। यहाँ पर ये बनने वाला है अदरक वाला अंडा, बड़ा अच्छा होता है ये खांसी के लिए, अगर किसी को खांसी या ज़ुकाम है तो वो खाए बना के, बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। देखिए इसका प्यारा सा कलर बन गया, तो खुशबू भी आ रही है। और यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं तो ठीक है, इसके अंदर हम अंडे डालेंगे ये वाले, मिक्स करेंगे इसके अंदर, ये देखिए जी। और यहाँ पे मेरे पास धनिया धो के रखा हुआ मैंने, इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे बिल्कुल हल्की आँच पे, भून गया इसको, भून के फिर आपको दिखाती हूँ। दरमियानी और आँच कम कर दिया है ऐसे, चलिए इसको भून के फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना। चलिए सर यहाँ पे ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त डन हो गया, इसी तरह की लुक आती है ये बड़ा मज़े का और बड़ा टेस्टी बनता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अगर किसी को खांसी होती है ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी खा सकते हैं टेस्ट के लिए। ये देखें कितना अच्छा कितना मज़े का लग रहा है ना। अब मेरी रोटी भी रेडी हो गई है इस तरह, तो मैं ये लेके जा रही हूँ कामरा के पास रूम में। तो जी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रूम में, कामरा साहब रूम में बैठे हुए थे। खाना मैं बैठ पे देती हूँ जो मर्जी हो, काम चाहे मैं जितनी मर्जी देती हूँ, लेकिन खाना कामरा का बैठे क्योंकि सर्दी बड़ी है बाहर, बहुत सर्दी है, तो हम जो है ना रूम में बैठ के ही खाना खाते हैं। अगर यहाँ तो बच्चों के रूम में, अगर बच्चों ने खाना होता ना ये वाला अंडा तो उनके रूम में खाना था, अब हम मैंने और कामरा नहीं खाना है, इसलिए हम अपने रूम में ही आ गए। कैसा बना? बहुत अच्छा। तो चलो खाते हैं।
तो जी फिर यहाँ पे बच्चों को मैंने मौसमी वगैरह काट के दी, ये देखे कैसे बैठ के ऊपर ही बैठ के इधर ही खिला खलू के फारग हो के खाना वगैरह खा के कामरा साहब तो बैठे हुए आराम सुकून से, कोई काम नहीं करवाना मैंने। मैं यार अब आपने इधर ही बैठना है आराम सुकून से, जो दो चार बर्तन है ना वो खुद ही धोए जाएंगे सुबह। तो मैं फ्रेंड्स सारे काम तो करने ही करने हैं, लेकिन मैंने पता बर्तन रखती नहीं हूँ अभी, मैंने ये व्लॉग खत्म करना है, बंद करना है, भाई थोड़े बहुत काम करने हैं करके फिर मैंने आगे बैठ जाना है। तो सभी फ्रेंड्स को अगर आज की एक्टिविटी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि तमाम जो हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। आज व्लॉग एंड करने वाले हैं कामरान, मेरा सामान मेरे पाँव में इधर आके सो गया बैठ के, अंदर कंबल में गुस्सा सो गया। फ्रेंड्स आसफा नो ना फॉलो कर लो। तो जी फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट तो आप करते ही हैं। सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। इसी के साथ आज की एक्टिविटी यहाँ में खत्म करते हैं, सुबह नई गुड मॉर्निंग के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, लव यू, लव्स, बाय।